दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दिवाली का तोहफा। आखिर वो तोहफा कौन है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, यकीनन आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपको मुफ्त में बहुत कुछ चीज़ें मिलने जा रही हैं। चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने राशन मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों गरीब लोगों को शनिवार को दिवाली का तोहफा दे दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब लोगों को सरकार की ओर से राशन मुहैया कराया जाएगा। योजना के विस्तार का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब एक सप्ताह बाद दिवाली का त्यौहार है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया है। दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, इसी दौरान उन्होंने फ्री राशन स्कीम को 5 साल बढ़ाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में इसी महीने चुनाव होने वाले हैं। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने वाला है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन समेत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई थी जिसमें लोगों की आजीविका पर असर पड़ा था। इसी चीज को ध्यान रखकर गरीबों के सामने खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गरीब आबादी की मदद के लिए फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ देशवासी उठा रहे हैं। दिसंबर में समाप्त हो रहा था समय जिस फ्री राशन अपडेट को लेकर सरकार ने 5 साल बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं व चावल मिलता है। लाभार्थियों को यह अनाज फ्री में मिलता है। केंद्र सरकार ने इसे सबसे पहले 30 जून 2020 को शुरू किया था, उसके बाद इसे कई मौके पर बढ़ाया जा चुका है। अभी यह योजना दिसंबर 2023 में यानी अगले महीने समाप्त होने वाली थी। अब 5 साल के विस्तार के बाद लोगों को दिसंबर 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को बढ़ाकर बहुत ही अच्छा काम किया और इस चीज़ को जानकर आप लोगों को बेहद खुशी हो रही होगी। तो दोस्तों, फ्री राशन का लाभ उठाइए। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने तोहफा दिया दिवाली का, 5 साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।